आज के वीडियो में आपको अमिताभ बच्चन और दिव्या सेठ शाह के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने अपनी 80th बर्थडे सेलिब्रेट की, जहां पर अमिताभ बच्चन को पूरी दुनिया से ही बर्थडे विशेष मिली। वहीं एक स्पेसिफिक बर्थडे विश को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जी हां, ये बर्थडे विश है दिव्या सेठ शाह की। दिव्या सेठ शाह ने एक वीडियो मैसेज के थ्रू अमिताभ बच्चन को उनकी बर्थडे विश की, और वो वीडियो मैसेज कोई ज्यादा आई प्लीजिंग नहीं था। और देखा जा सकता है कि इस वीडियो में अमिताभ बच्चन और दिव्या सेठ शाह दोनों रो रहे हैं, और फिर दिव्या सेठ शाह अमिताभ बच्चन को गले लगाती हैं। ऐसा लग रहा है इस वीडियो को देखकर ये किसी फ्यूनरल की वीडियो है या किसी लास्ट राइट्स की वीडियो से कहा जा सकता है। और इस वीडियो के नीचे दिव्या सेठ शाह ने अमिताभ बच्चन को बर्थडे विश की थी। दिव्या सेठ शाह ने लिखा था कि फ्रॉम पोस्टर्स इन माई रूम टू लुकिंग फॉर यू इन अनदर एक्टर्स टू होली एट योर होम टू द वैस्टनेस ऑफ योर वैरायटी एंड टू यू नेवर टॉकिंग योर सक्सेस फॉर ग्रांटेड फॉर एवर मिस्टर बच्चन फॉर एवर हैप्पी 80th बर्थडे अमिताभ बच्चन सर। इस वीडियो को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है और नेटिजन्स इसको काफी रॉन्ग वे में ले रहे हैं। नेटिजन्स का कहना है कि ये कोई प्रॉपर वे नहीं है किसी को बर्थडे विश करने का। जन्मदिन एक बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और इस दिन हर कोई अच्छी चीजें देखना चाहता है, और उनको ऐसी चीजें दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल आई प्लीजिंग नहीं है। ना किसी को इस तरह के दिन दोबारा से याद रखने चाहिए। हो सकता है कि दिव्या सेठ शाह के लिए ये दिन अमिताभ बच्चन ने बहुत स्पेशल किसी तरह से किया हो, और जिस तरह से अमिताभ बच्चन उनके साथ गले लग के रो रहे हैं, इससे प्रूव होता है कि वो अमिताभ बच्चन को बहुत ऑनर करती हैं, और अमिताभ बच्चन के एक हक से शायद उनके लिए काफी कुछ ठीक हो गया हो। बट जो भी है, नेटिजन्स इस वीडियो को और इस बर्थडे विश को एक साथ पसंद नहीं कर रहे, और नेटिजन्स का यही कहना है कि दिव्या जी को अमिताभ बच्चन को इस तरह से विश नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि दिव्या सेठ शाह का अमिताभ बच्चन को इस तरह से विश करना ठीक है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।